वेलकम बैक एवरीवन टू हेमलैंड्स। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने किया था आज तक का सबसे एपिक काम, जो कि था हेमलैंड्स के एक अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर जाकर टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में जाकर होगलू को बचाना। यस गाइस, लास्ट एपिसोड में फाइनली हम लोगों ने होगलू को बचाया था, और इसको बचाने का एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन था, बिकॉज हम लोगों को पता लगाना है किसी भी हालत में कि ये जो तुम लोगों को मुंह के सामने ऑरा दिख रही है, जो विच तुम लोगों को मुंह के सामने दिख रही है, ये एक्चुअली में है कौन है। अब गाइस देखो, मुझे और प्रोफेसर को शक है कि ये जो औरत मुंह के सामने थी, ये शायद से होगा लाला की दाइमा है, एंड अगर ये ट्रू है तो हम लोग गाइस इसकी मदद से होगा लाला को अपनी टीम में लेकर आ सकते हैं। एंड गाइस मेनली यही चीज का पता लगाने के लिए मैंने एग्री किया था ड्रीमर का काम करने के लिए, बिकॉज जबरदस्ती उस बंदे ने हम लोगों को, मेरे को और प्रोफेसर को, इस अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर भेजा था। एंड गाइस आज किसी पहले तो हम लोगों को इस चीज का पता लगाना है कि औरत है कौन है। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड, लीव अ लाइक इस वीडियो का, लाइक है मैं 3 लाख लाइक्स इन 5 डेज। मैं देख रहा हूं आजकल तुम लोग लाइक कंप्लीट कर नहीं रहे हो, तो गाइस प्लीज लाइक कंप्लीट कर लिया करो, वीडियो फटाफट आती रहेगी भाई। एंड चैनल पे नए हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। होगलू भाई, फाइनली भाई तेरे को बचा के हम लोगों ने किया बहुत ही तगड़ा काम। एंड भाई साहब तेरे को पता है ना एग्जैक्टली तेरे को क्या करना है, पूरा का पूरा आज तेरे ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली गाइस होगलाला का क्लोन हमारे वर्ल्ड में था, होगलू तुम लोगों को पता है, इसलिए गाइस ऑफ कोर्स इस थर्ड डायमेंशन, इस थर्ड टाइमलाइन के अंदर भी होगलाला का क्लोन होगलू ही होगा, जो कि थोड़ा सा अलग है दिखने में। इसकी आंखें देखो तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे येलो कलर का। मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, बोलो यहाँ का वातावरण अजीब सा हो चुका यार, आकाश एकदम सेम हो गया, बट देखो यहाँ का सूरज वो अलग हो चुका है। गाइस हम लोगों ने जो है टाइम लाइन रप्चर करी है ना, हर कुछ कर करके, लाइक भाई साहब बहुत बड़ी गड़बड़ बहुत जल्दी होने वाली है, हम लोगों को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। चलो गाइस जल्दी चलते हैं यहाँ से, वो जो बुढ़िया वाली जगह है ना, आई गेस वो वाली जगह यहाँ से ऑलमोस्ट 6 से 7 हजार ब्लॉक्स दूर है, तो टाइम लगने वाला बॉयज पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलो। तब तक गाइस मैं काम करता हूँ, इन लोगों से प्लान डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइस तुम लोगों को याद होगा कि अपने रियल हिमलैंड्स के अंदर जब मैंने दाइमा का पता किया था, तो वहाँ पे हम लोगों को एक थ्योरी का पता चला था कि होगालाला की जो दाइमा है ना, उसने बहुत ज्यादा कोशिशें करी थी होगालाला एंड हुलालाला को बुली होने से बचाने के लिए, क्योंकि ये दोनों बचपन से लेकर सबसे ज्यादा अलग दिखते थे। तो होगालाला हुलालाला अपनी दाइमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट उनकी दाइमा ना मर चुकी थी। लेकिन गाइस थ्योरी ये बोलती है, कंस्पिरेसी थ्योरी ये बोलती है कि होगालाला की जो दाइमा है ना, वो अभी तक जिंदा है, एंड अगर वो जिंदा है तो उस दाइमा के दम पर गाइस हम लोग होगालाला को अपनी टीम में ला सकते हैं। तो ये है हमारा मेन थ्योरी यहाँ पर। तो गाइस देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा चलना पड़ेगा, एंड अगर ये होगलू इस वक्त यहाँ पे दाइमा के सामने आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज होगालाला को लगता है कि उसकी दाइमा मर चुकी है, बट गाइस शायद से उस खाई के पास वो दाइमा ही है जो कि होगालाला की रक्षा करती है हमेशा ही। तो बेसिकली अभी हम लोगों को यहाँ पे प्रिटेंड करना पड़ेगा। तुम लोग समझ जाओ कि यहाँ पर अभी बहुत बड़ा रोल है प्रोफेसर जी आपका, ठीक है ना भाई साहब, आपका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। देखो अभी हम लोगों को एक्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सीन रिक्रिएट करने पड़ेंगे, चिकन्स को मारना पड़ेगा, साथ में खाने का सामान कम है हमारे पास, खाना चाहिए मेरे को एक्चुअली में। देखो हम लोगों को क्या करना है, मेरे को और आपको होना है सेपरेट सबसे पहले, ठीक है, अलग अलग जाना पड़ेगा। नहीं नहीं जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा उस खाई को पूरा का पूरा घूम के दाई माँ के बैक साइड पे, ओके मैं बैक साइड पे रहूंगा उस बुढ़िया के, और होगलू आएगा सामने से चलता हुआ। जैसे ही होगलू उस रिवीन को क्रॉस करेगा ना ब्रो, तो आपको प्रटेंड करना है कि आप इसका पीछा करके आ रहे हो। तो याद होगा लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, हम लोगों को वो लाइक ऐसे ब्लैक वाला इफेक्ट लग जाता है, बस मेक श्योर करो कि सामने की साइड तू ना देखे, प्लीज ऐसे मुंडी झुका के जाइए वहां पे, मुंडी झुका के किसी भी तरीके से तेरे को कुछ गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। और जब ये होगा ना, तो उसके बाद दाइमा क्या करेगी, 100% उड़ के जाएगी जहां भी वो जाती है, जैसे हम लोगों के साथ ऑलरेडी हिमलैंड के अंदर हो चुका है। तो ब्रो तो तू समझ जा, उसके बाद मैं उसका पीछा करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब ये है हमारा मेन प्लान, अब इसके अलावा कुछ भी गड़बड़ होती है तो प्लान यही वाला सेम टू सेम काम, यू नो, काम आना चाहिए। एंड बाय काम आना चाहिए मेरा मतलब है कि करना यही है, किसी भी हालत में उस दाइमा का पीछा करके हम लोग उसकी मेन लोकेशन, क्योंकि देखो भाई खाई के ऊपर तो वो रहेगी नहीं गाइस, है ना, कहीं ना कहीं उसका घर जरूर होगा, हम लोगों को उस लोकेशन का पता लगाना ही लगाना है। तो प्रोफेसर साहब अगर कुछ भी गड़बड़ होती है इस प्लान में, तो तेरे को किसी भी तरीके से इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा इस प्लान को। इम्प्रोवाइज का मतलब तेरे को तो पता ही होगा, ऑफ कोर्स यार मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो कुछ ना कुछ ऑन द स्पॉट दिमाग लगा के जुगाड़ करके प्लान को कामयाब करना ही करना है प्रोफेसर। मेरे को और तेरे को ये पता लगा के बाहर निकलना है इस टाइमलाइन से। अभी तो भाई साहब ड्रीम बॉय ने गाइस एक तो जो हमारे टू वे पोर्टल्स है इन टाइमलाइन के अंदर आने के, दूसरी साइड वाला पूरे तरीके से बंद कर दिया है, पूरे तरीके से बंद कर दिया है। लाइक वो जो जगह थी ना, वो वॉल्केनो वगैरह, वो अनब्रेकेबल ब्लॉक से बने हुए हैं वो, और अनप्लेसेबल ब्लॉक से भी। तो उसने क्या कि अपने जीरो ब्रैंड का इस्तेमाल कर, लाइक जो इस टाइमलाइन का हीरो ब्रैंड है जिसका नाम जीरो ब्रैंड है, उसका इस्तेमाल करके वहां पर ब्लॉक्स प्लेस कर रहा है। अब हम लोग वहां से बाहर जा नहीं सकते, बिकॉज हम लोग उन ब्लॉक्स को तोड़ नहीं पाएंगे। और भाई साहब मैं गलती से नीचे गिर गया,
बट कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, ड्रीम बर्ग्स आई, मैंने मोटी ही गेम यहाँ पर खेल दिया है। जिस कंसाइनमेंट के लिए जो पर्ल्स वगैरह बहुत सारी उसने मेरे को बोला था ना कि यहाँ पे डिलीवर करने के लिए, भाई साहब मैंने उससे मोटी ही गेम खेल दी, अब उसकी भी बैंड जरूर बजने वाली है। एंड उसके पास से आई गेस अभी तक 0 बैंड निकल गया होगा, नगर निकल गया होगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है टू बी ऑनेस्ट गाइस। क्योंकि आप जैसे हम लोग यहाँ से एस्केप, देखो मुझे बस गाइस ये कोरस फ्रूट खाने की देर है, जैसे ही कोरस फ्रूट खाऊंगा ना विद इन 1 सेकंड में ड्रीमर से बातें लग जाऊंगा, कर्नल मुझे लग जाएगा पता एक्जैक्टली कि उसके पास से 0 रन गया कि नहीं गया, एंड देन वो खोल देगा बॉल कहने को, मुझे पता है। तो अभी बस एक काम करना, पता करते हैं भाई, चलो भाई फटाफट आज पता लगाना कि ये दाइमा कौन है, ये बुढ़िया दाइमा है कि नहीं है, या फिर हो सकता है कि दाइमा का इसको पता हो, पता कि वो कहां रहे, भाई आज पता लगाना, चलो फटाफट चलते भाई। ऑल राइट गाइस, तो मैं ना यहां पर रवीन के पास पहुंच चुका हूं, एंड गाइस प्रोफेसर साहब भी उधर किधर है, अपना होगलू भी उधर किधर है, एंड जैसे वो लोग इस रवीन को पार करने की कोशिश करेंगे तो वो चुड़ैल ना इधर किधर आती है मुंह के सामने, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इस पूरी की पूरी रवीन को सिर्फ और सिर्फ पॉल मार के एक बार क्रॉस करना है, पॉल मार के चलो उधर के लिए, बस बैक साइड के लिए जाना है मेरे को, एंड इस चुड़ैल को बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स माय मेन प्लान गाइस। तो देखो मैं ना बैक साइड के लिए आ चुका हूँ, बस प्रोफेसर यहाँ पे ढंग से कर दे, प्रोफेसर यहाँ पे ढंग से कर। देखो गाइस होगलू को मैंने बोला हुआ है, देखो किसी भी तरीके से दाई माँ का वेट नहीं करना है, ठीक है, आई मीन उस बुढ़िया औरत का वेट नहीं करना। इधर किधर होगी, मैं ना ज्यादा नजदीक आ गया, इधर किधर इसी पेड़ पे आने वाली है, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा वहाँ सामने कहीं पर अपना सीन हुआ था और यहाँ पर इन पेड़ों के बीच में कहीं ना कहीं आती, इधर ही कहीं पे छुपी होगी वो, तो मुझे ना दिखना नहीं है, बस दैट्स इट। होगलू यहाँ पर आएगा एंड उसकी वजह से होगलू यहाँ से निकलता है। तो गाइस उसके बाद वो जो बुढ़िया औरत है, प्रोफेसर बेसिकली प्रिटेंड करेगा कि वो ना होगलू का पीछा कर रहा था, समझो तुम लोग यहाँ पे, ओ माय गॉड दिस इज गोइंग टू बी एपिक मैन। मैंने नीचे विस्पर करके लिख रहा हूँ इसको, मैं इसको मैसेज करके लिख रहा हूँ नीचे कि बेटे तेरे को अभी यहाँ पे एग्जैक्टली अब स्टार्ट करना है। ऑल राइट गाइस, मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर, अभी यहाँ पर प्रोफेसर कभी भी आ सकता है, और वो एग्जैक्टली कहाँ से आएगा मैंने एक्चुअली भूल चुका हूँ यार, ये सब कुछ ही सेम लग रहा है मेरे को यहाँ पे। कम ऑन होगलू भाई, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता सब कुछ। आ गया, शाबाश मेरे बेचे, भाग जाइयो। ओ यस, इसने गाइस परफेक्ट कर दिया है, इसने यहाँ पर परफेक्ट लैंडिंग कर दी है, एंड होगलू का काम हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब ये यहाँ से निकल जाएगा, अब प्रोफेसर के ऊपर सब कुछ। प्रोफेसर प्लीज आराम से जल्दी जल्दी सामने आइयो यार, प्रोफेसर आ गया, प्रोफेसर आ गया, ओके ओके ओके, प्लीज 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 प्लीज। हो गया इसको। चुड़ैल कहाँ है, आई सामने की नहीं है चुड़ैल, आ गई। ओ माय गॉड, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर बस तू हिम्मत, तू मेरी आवाज सुन सकता है मुझे पता है, हिम्मत मत हारी, तेको देख रही अभी तक ये। ओ माय गॉड, नीचे देखता रहियो, बिल्कुल ही मत सामने की साइड के लिए, बिल्कुल सामने को मत देखियो, है ना, किसी में उड़ रही है ये उड़ रही है प्रोफेसर साहब। अरे भाई मेरी गेम कहाँ चली गई, रुक एक बारी, चल पल मार के चल, पल मार के चल, प्रोफेसर कहाँ है तू, पल मार के चल, इसका पीछा करना अभी पूरे तरीके से। ओ माय गॉड, चल भाई तू अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। व्हाट, मेरी स्क्रीन खाली होगी यहाँ पे, व्हाट द हेक ब्रो, मुझे वेट गाइस तुम लोग आवाज सुनो, चलने की आवाज सुनाई दे रही है यार, ऐसा ही सेम टू सेम से पहले भी होता है इसी सेम डायमेंशन के अंदर यार, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन, ब्रदर्स मेरी स्क्रीन अपने आप काली कैसे हो सकती, मुझे चलने की आवाज क्यों सुनाई दे रही, कौन मुझे किडनैप करके फिर से यहाँ पे, प्रोफेसर तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या, हेलो। ओ माई गॉड, ये भाई हमारे यहाँ से फिर से निकल गया, दाइमा या तो दाइमा थी या तो नहीं थी, भाई हमको इसका पता लगाना था एग्जैक्टली किस लोकेशन पे जा रही, मेरी स्क्रीन काली कैसे हो गई भाई, हमारी किस्मत खराब क्यों है भाई साहब, अरे यार हमारे साथ ऐसी हरकतें क्यों होती है, ऑलमोस्ट मैं उसको बंदी को पकड़, वो मैं ऑलमोस्ट उसको पकड़ने वाला था भाई, व्हाट SU69 अलाइव, तूने मुझे यहाँ पे टीपी, तूने मेरी स्क्रीन काली करवाई थी, व्हाई, पक्का तूने इस बदसूरत की हेल्प से करी होगी, वही बंदा यार इस वर्ल्ड का लाइब्रेरियन, ऐसी तूने क्यों किया ऐसा मुझे बता एक बार, हेलो यार मैं इतने इंपॉर्टेंट मिशन में था, मैं ऑलमोस्ट होकर ला रहा कि दाइमा का पता लगाने वाला था यार, क्या ये बंदा शराबी ऐसा हनी पी रहा था 24 घंटे, मुझे बता तूने ऐसा क्यों किया ब्रो, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था अभी बहुत ज्यादा, मुझे पूरा जानना है भाई तूने ऐसा क्यों किया। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ इस वर्ल्ड के SCO और लाइब्रेरियन से बात हो चुकी है भाई साहब, ये लोग यार हम लोग एक मिशन करने जाते हैं, इन बिटवीन हम लोग हर बार क्यों फंस जाते हैं मुझे समझ नहीं आती है। तो अब यहाँ पे SCO ने मुझे बोला
कि भैया तुमने क्या कांड किया यहाँ पे लास्ट टाइम पे। इसने मेरे को बोला कि तुमने शायद से इस वर्ल्ड का जो फलाना जी है ना, हमें लाइक इस वर्ल्ड का जो फलाना उसका नाम है जी फलाना, तुमने उसके साथ कोई ना कोई ऐसा स्कैम किया जिस वजह से उस बंदे ने पूरे तरीके से इस वर्ल्ड के स्मार्टी पाए के ऊपर जिसका नाम है स्मूटी पाए उसके ऊपर हमला कर दिया था। और ये मुझे बोल रहा है कि इस वर्ल्ड के जी फलाना ने स्मूटी पाए को कैप्चर कर दिया है। एंड गाइस कैप्चर करने के बाद जी फलाना ने स्मूटी पाए को इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही अजीब से इलीगल पीवीपी कॉम्पिटिशन जिसका नाम उसने रखा हुआ है फाइटिंग पिट, बेसिकली तुम लोगों को पता होगा, तो फाइटिंग पिट के अंदर डाल दिया है। एंड फाइटिंग पिट का मतलब ऑफ कोर्स माइनक्राफ्ट में होता है पीवीपी के कंपटीशन, और ये बोल रहा है कि कंप्लीटली इलीगल है वो। अब इलीगल का मतलब तुम लोग समझो गाइस, देखो हिमलैंड्स के अंदर हमारे बहुत सारी जगहों पे पार्कोर के कंपटीशन होते हैं और साथ ही पीवीपी के कंपटीशन होते हैं, बट जी फलाना ने गाइस यहां पर क्या किया हुआ है कि इलीगली बहुत सारे बंदे पकड़े हुए हैं और अब उन लोगों को फाइटिंग पिट के अंदर फाइट करवा रहा है एक दूसरे के साथ। एंड जो बंदा इन दी एंड जीतेगा वो जिंदा बाहर वापस जाएगा, बाकी सब मर जाएंगे। और अपने खुद के रूल्स बनाए हुए भाई, कुछ भी हो रहा है, ये मेरे को बोल रहा है कि कुछ भी होगा वहां पे। तो मैंने उसको बोला कि भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, जो स्मूटी पाए है वो अपनी खुद की रक्षा कर सकता है। बेसिकली ये चाहता है कि मैं वहां पर जाऊं और मैं स्मूटी पाए को बचा के लाऊं, बट द मेन थिंग इज कि स्मूटी पाए खुद की रक्षा कर सकता है। तो इसने मेरे को बोला कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जी फलाना का सबसे खास बंदा इस फाइटिंग पिट के अंदर अभी फाइट करने वाला है जिसका नाम है शाकाल, और शाकाल इतना खतरनाक है। मुझे बोल रहा है कि शाकाल की जो मूवमेंट्स है ना वो लाइक नॉर्मल बंदों की तरह तो है ही नहीं, लाइक जैसे हम लोग यूं करके तलवारें घुमाते हैं ना, वो ऐसे नहीं घुमाता तलवारें, बहुत ही अलग स्टाइल से घुमाता है। एंड ऑफ कोर्स किसी भी वे में जीतने के लिए किसी भी टाइप की चीटिंग भी वो कर सकता है, तो दैट्स व्हाई ये चाहता है कि मैं जाऊं और स्मूटी पाए को बचा के लाऊं। तो देख यार भाई अभी मैं नहीं, यार तेरे को पता है मैं यहां पे कितने इंपॉर्टेंट मिशन से आया था, लाइक मैं थर्ड टाइमलाइन, मैं किसी और टाइमलाइन से यहां पर आया था एक चीज का पता लगाने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी टाइमलाइन की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। अब यहां का अगर स्मूटी पाए मर भी गया तो तुम लोग बचाओ ना, ड्रीमी बॉय कहां पर है, हैं का वेट क्या लिख रहा नीचे, ड्रीमी बॉय पता नहीं कहाँ गया तेरे टाइमलाइन के अंदर। अरे आई गॉट इट, वो ड्रीम बॉय की बैंड बजाने गया होगा, अपना जीरो बैंड वापस लेने गया वहाँ पे एक्चुअली में, तो तू अकेला तो जा नहीं सकता उसको, ओ माय गॉड, यानी मुझे बचाना पड़ेगा। बाय द वे गाइस, इससे जब ये मुझे पूरी कहानी सुना रहा था तो मैंने ना बीच में प्रोफेसर को मैसेज करने की कोशिश करी नीचे, एंड द थिंग इज गाइस कि प्रोफेसर भाई कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, उसको मैं विस्पर कर रहा हूं, उसको मैं पर्सनल मैसेज भेज रहा हूं, बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। आई थिंक उसको कुछ दूसरा कांड हो चुका भाई, आई एम नॉट इवन जोकिंग। अबे भाई तू इतनी खाली बोतलें हम लोगों को क्यों पकड़ा रहा है, तू मुझे बता भाई एग्जैक्टली फाइटिंग पिट है कहाँ पर है, मैं जानना तो चाहूंगा एक बार, जरा चल मुझे लेकर चल जरा एक बार वहाँ पे। एंड इसने बोला कि ऑलरेडी वहाँ पे वो स्टार्ट हो चुका होगा एंड वी आर थोड़ा सा लेट है हम लोग यहाँ पे, फलाना जी ने पूरा का पूरा मेक श्योर किया हुआ है। एक्चुअली गाइस फलाना जी इतना गुस्से में था जब स्मूटी पाए को लेकर गया, इसकी आंखों के सामने लेकर गया बाय द वे स्मूटी पाए को वो अगवा करके, तो ये बोल रहा है कि फलाना जी फलाना इस वर्ल्ड का इतना ज्यादा गुस्से में था, उसने बोला कि या तो तू असली वाले स्मार्टी पाए को लेकर, वेट ओए, तूने मेरे को बोला अभी कि जी फलाना ने बोला है कि तू स्मार्टी पैक या तो लेकर आ जा तब छोड़ूंगा मैं स्मूटी को, तू कहीं मुझे यहाँ पे एज अ बेट तो नहीं लेकर जा रहा, सच बोलियो हैं, कि पता चले कि तू मुझे यहाँ पे उसके पास पहुंचा रहा ताकि स्मूटी को छुड़ा दे, हैं देख अगर ऐसा भाई तो पहले ही मुझे बता, ऐसा है क्या, आर यू श्योर, तू एक बार मुझे लेकर चल फाइटिंग पिट का, मैं पहले फाइटिंग पिट देखने वाला हूँ, अगर सच हुआ तो व्हाट ओ माय गॉड, तो इसका मतलब तू सच बोल रहा था ब्रो, हैं ओके ठीक है मैं जाने वाला हूँ और मैं ना किसी भी हालत में उसको बचा के लेकर आना। गाइस पूरा का पूरा स्टेडियम है, पूरा का पूरा पीवीपी का स्टेडियम है यहाँ पे। ओके मेरे भाई मेरी बात सुन, अंदर अगर मैं जाऊंगा तो दिक्कत की बात तो एक ही हो जाएगी कि मैं पार्टिसिपेट थोड़ी कर सकता हूँ कॉम्पिटिशन में, अब मैं भी होऊंगा स्मूटी पाया भी होगा, तो अगर मैं और वही भिड़ गया आपस में तो लाइक सपोज कर फाइनल स्टेज में तो कोई एक बचेगा और एक मरेगा, इसका मैं क्या करूंगा भाई, मुझे बता जरा एक बार, कितना ज्यादा अजीब भाई, ये बहुत अजीब सिचुएशन हो चुकी है, मुझे इसका तू एक बार सॉल्यूशन बता। ऑल राइट गाइस, तो भाई साहब एस यू भाई साहब से मैंने बात कर, इस वर्ल्ड के में जो बोल रहा है कि देखो भाई आप अंदर जाके पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, बट जी फलाना इस वर्ल्ड का किसी भी हालत में आपको देखना चाहता है, एंड आई गेस उसका मेन मकसद आपको शकाल के साथ लड़ाकर आपको मरवाना, तो ये मेरे को बोल रहा है कि बस तू अंदर जा और किसी भी तरीके से बस उसको बचा दे, इसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है बाय द वे, क्योंकि यार ऑफ कोर्स ये इस वर्ल्ड का एसजीओ है और वो इस वर्ल्ड का स्मार्टी है, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है बहुत पहले से, तो चाहता है कि स्मार्टी बच जाए, कोई बात नहीं पर मैं जा रहा हूं एंड आई विल मेक श्योर कि वो बच जाए, पर तू एक काम कर सकता क्या मेरा, देख तूने मुझे जहां से भी गायब करवाया था तेरे को मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स वगैरह बताया, वहां पर जाके प्लीज एक बार देख कि प्रोफेसर कहां है मेरे वर्ल्ड का, उसको देख ओके, लाइब्रेरियन तू भी साथ जा भाई, ठीक है ना भाई, और मैं जा रहा हूं अंदर, मैं स्मूटी को बचाता हूँ भाई, किसी भी हालत में उसको बचा के ला दियो यार, अगर तेरे को मिलता है वो तो, क्योंकि वो लड़ाइयां नहीं कर सकता, तू तब भी लड़ाई अच्छी करता है भाई, ठीक है मैं जा रहा हूँ। व्हाट
यहाँ पर ना जीप से कुछ पार्टिकल जैसे निकले थे। ओह माय गॉड मैं बच गया, मैं बच गया, छोड़ दीजिए पानी था। आई गॉट अ राइड ब्रो, अभी प्योर सी अपने मर सकता था यहाँ पे। ओके मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा एक बार यहाँ पे। तो गाइस मैं क्या करने वाला, ऊपर के लिए मैं उसको फेंकने वाला हूँ। एंड आई गेस मुझे बस स्टेडियम के टॉप पे रहना है किसी भी तरीके से। मैं टॉप पे आ गया हूँ, नाइस। ओ माय गुडनेस ब्रो, ओ तेरे कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ओ ओ ओ फाइट स्टार्ट हो चुकी है। वेट मुझे यहाँ पे देख लो, जी फलाना जी कहाँ है, जी फलाना कहाँ है, जी फलाना वो रहा वहां पे, कितने मजे ले रहा है ये लोगों के मरने के। ओ माय गॉड, ये देखो ये दो रैंडम बंदे जिनको पकड़ा हुआ इसने यार, और बहुत ही ज्यादा कुत्ते की तरह लड़वाएगा इनको अभी, जब तक इनमें से कोई एक बंदा पूरे तरीके से मरता नहीं। आई गेस इसके तो खून भी निकलना स्टार्ट हो चुका ब्रो, इसके इसके लग चुके, नहीं ये भी भाग रहा है गाइस। ओके पहले तो मुझे देखना है कि स्मूटी का है, अगर मुझे स्मूटी पाया दिख गया ना भाई मजा ही आ जाएगा, नॉट इवन जोकिंग। और तुम लोग ये देखो एक्चुअली मैंने सारे बंदे मुझे देखने, देखो दूर दूर के बंदे अभी यहाँ पे रहे, रेंडर पे भी नहीं आ रहे भाई, इतना ज्यादा खतरनाक। और फलाना जी इसको देखो भाई, खुश पड़ा हुआ इनको देख के ये बंदा। ये गाइस एक्चुअली मैं मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं अभी नहीं आऊंगा, पहले मैं देखूंगा कि अगर स्मूटी पाई क्या पे हालत खराब होती है, उससे पहले मैं एंट्री मारने ही नहीं वाला हूँ। कुछ फायदा ही नहीं है, पूरे तरीके से कोई फायदा ही नहीं है। ओ माय गॉड भाई इनकी फिश फाइट कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं चल पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि पिछले एक साल से लेकर लड़ रहे हैं भाई साहब। ओ माय गॉड गाइस बस मुझे यहाँ पे स्मूटी को ढूंढना है, कहाँ पर होगा वो बंदा यार, बहुत ही गंदे तरीके से ना यहाँ पर वाला कंपटीशन चला इन दोनों बंदे का। लेट्स सी कि जब कोई एक बंदा जीत हारेगा तो क्या एक्चुअली मर जाएगा फिर रिस्पॉन होगा वो यहाँ पे। आई जस्ट वॉन्ट टू सी दिस। ओ मर गया एक बंदा, और वो कहीं पर भी रिस्पॉन नहीं हुआ, और ये बंदा खुशी के मारे देखो यहाँ पे। ओ तेरी भाई साहब, ओ माय गॉड, और इसको देखो भाई वहां पे नाच रहा है खुशी के मारे, नाच रहा है बंदा, ओ तेरी भाई साहब। तो भाई गाइस अभी तक आई हैव नो आइडिया कि स्मूटी पाई कहाँ पर है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे शो अप नहीं करने वाला, मुझे कॉम्पिटिशन में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करना है, बट दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे को कि मैं कैसे यहाँ पे स्मूटी पाई को बचा सकता हूँ। ओ गाइस यहाँ पे दूसरा कंपटीशन स्टार्ट हो गया, इनमें से कोई स्मूटी तो नहीं है, बस मेरे को देखना देख वारी। अच्छा इस बार शील्ड के साथ है और आर्मर्स के साथ है, नहीं इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे स्मूटी नहीं है। मेरे को ना एक्चुअली में इन दोनों के कंपटीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, सच बताऊं तुम्हें भाई साहब। जी फलाड़ा कितना खुश हो रहा है इनको देखता हुआ यार, आई एम नॉट इवन जोकिंग, ये ना क्रूरता की सारी हदें पार कर लेता है बंदा, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ऐसे बंदों के ऊपर। देखो कितना खुश है भाई इन दोनों को यहाँ पे लड़ता हुआ देखकर, ओ माय गॉड। मतलब मैं भी तो यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा खुश ज्यादा दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी एक्चुअली पीवीपी करने का मन तो कर रहा है बहुत सारा। देखो भाग गया एक बंदा, भाग रहा है तो आई थिंक इसकी जान यहाँ पे खतरे में है भाई साहब। गाइस मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, ये दोनों एकदम ऐसे रैंडम बंदे हैं भाई, जिनको पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लेकर आया फलाना जी। एंड आई गेस एक बंदा मरने वाला इनमें से, एक बंदा इनमें से मरने वाला जी। खाना उसने खा लिया, अभी कहीं भाग रहा है भाई, काफी ज्यादा घमासान। इन लोगों ने कमेंट्री करने का मन कर रहा है नॉर्मल वाली की, काफी ज्यादा घमासान युद्ध यहाँ पर होता हुआ दो बंदों के बीच में। एंड गाइस अगर तुम लोगों को स्मूटी दिखता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अभी तक दिखा के नहीं दिखा, मुझे कहीं नहीं दिख रहा भाई, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। ओ एक बंदा मर भी गया भाई, मैंने मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे भाई कहीं पर भी बंदा नहीं दिख रहा, पर इतनी सारी क्राउड है यहाँ पर भाई साहब। गाइस ये क्राउड देख रहे हो कितनी ज्यादा क्रेजी है भाई, मानने वाला ये वही वाला बंदा तो नहीं आएगा जी, कोई और बंदा है। खैर छोड़ो अब यहाँ पे फलाना जी और खुश हो रहा है, थिंक यहाँ पे तीसरा कॉम्पिटिशन होने वाला, मुझे बस यहाँ पे स्मूटी पाकर ढूंढना भाई किसी भी तरीके से। ओ ओ एक और बंदा आ गया, एक और बंदा यहाँ पे आ चुका, ये स्मूटी पाए है, ये स्मूटी पाए है भाई, गॉड की कसम स्मूटी पाए है। ओ माय गॉड इसका यहाँ पे डायमंड वाले के साथ है मैच, ओ तेरी, ओ माय गॉड भाई ये होगा सबसे घमासान। और ये दोनों के दोनों बंदे मुझे लग रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, ऑफकोर्स स्मूटी पाए तो है, ये दूसरा बंदा भी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोनों बंदों की तुम लोग स्ट्रैटेजी देखी, पहले पड़े खड़े थे दोनों के दोनों दूर और एक दूसरे को देख रहे थे लाइक शील्ड ऊपर करके। ओ माय गॉड भाई यहाँ पे ना स्मूटी भाई को बज रहे 3 से 4 शॉट बज गए इसको, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। ओ भाग रहे, ओके क्या मैं जाऊँ उसकी मदद करने के लिए, ये बंदा शकाल हो सकता है क्या, ये दूसरा बंदा है, आई डोंट थिंक सो कि ये शकाल है, आई हैव नो आइडिया ब्रो, शकाल ही हो सकता है, पर ये बहुत सारा इसकी शक्ल शकाल जैसी लग नहीं रही है, है ना, थोड़ा ऐसा अजीब जैसा नहीं है ये, मतलब शकाल नाम से लग रहा है कि कोई ऐसा दानव जैसा बंदा होगा पक्का गारंटीड, बट ये ना मुझे दानव लग नहीं रहा भाई। भाग रहा है इस पार्टी, भाग रहा है, खाना खा रहा है इस पार्टी, व्हाट मैं जाऊँ उसको, मैं जाऊँ उसकी मदद करने। ओके जब तक मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो गया यस गाइस स्मार्टी भाई, ये देखो यार मेरी स्ट्रेटेजी मार रहा है भाई, मैं और कितने सिमिलर है, बचने के लिए हम लोग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं हर बारी भाई, डोमिनेशन पे जा रहा है दूसरा वाला बंदा भाई साहब। ओके अभी भी आई डोंट थिंक सो की जरूरत है, क्योंकि खाना खा के इसने रीजन तो कर ही दिया खुद को ना, अभी मैं जाऊंगा नहीं। ओके उछल चुका है, मार 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 स्मार्टी, कम ऑन यू कैन डू दिस ब्रो, मार दिस को जान से, यू कैन डू दिस ब्रो, कम ऑन डूड, कम ऑन डूड, कम ऑन डूड, कम ऑन
कम ऑन बॉय कम ऑन। इसकी शील्ड ऊपर हो चुकी है भाई साहब। ओके प्लीज मार दे इसको यार, अभी मेरे को लग रहा है मैं अपने हाथ पॉल निकाल रखने वाला हूँ। अगर इसके बाद भागेगा ना अपना स्मूटी तो मैं इसके पीछे आ जाऊंगा। ये अभी तक यहाँ पे खुश पड़ा हुआ है भाई, ना हर कुछ ही गुस्सा आ रहा है। ओ भाग रहा है, नो वे। मैं जाऊँ नीचे कि नहीं जाऊँ नीचे? मैंने अभी भी खराब नहीं करना चाहता हूँ, मे भी हो सकता है कि स्मूटी भाई इसको पेल दे यार। कम ऑन डूड। ओ भाग जा। आई डोंट नो कि भाई इन लोगों की हेल्थ कितनी कितनी कम है दोनों की। नो आइडिया ब्रो। भाई मर गया, मैं बोलने वाला था कि मर ही नहीं रहा है। ये हो गया, दुखी हो गया। यस यस यस, और मारेगा इसको पीछे। स्मूथी पॉय अभी तेरे खुश होने की बारी है, शाबाश। इसको एटीट्यूड दिखाओ ना थोड़ा ऊपर को, इसकी ऐसे की तैसी पकौड़े की। नाइस नाइस, एटीट्यूड तो दिखा रहा है, एटीट्यूड तो दिखा रहा है, कैसे मेरी आवाज सुन पा रहा है, बट एक्चुअली कैसे मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है। कोई चांस नहीं है, फलाना जी दुखी है और ये देखो यहाँ पे खुश पड़ा हुआ है। नाइस ब्रो, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरे को एक साइड को लगा कि मर गया भाई ये बंदा। सीरियसली डूड, अभी का अगला मैच आई थिंक यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ये बंदा आ चुका है, नया बंदा यहाँ पे। व्हाट, ये दो बंदे आए ब्रो? ये 2v2 का मैच होने वाला अभी यहाँ पे शायद से पीवीपी का। ओ माई गॉड, ओ भाई साहब, ये डर क्यों रहे, ये डर क्यों रहे दोनों के दोनों? व्हाट, कौन? व्हाट ब्रो, ये शकाल है शायद से, क्योंकि ये जी फलाना को बाउ डाउन कर रहा है। ओ माई गॉड, और ये बंदा बिनार भाई कैसे चल रहे। ओके तो यही चीज मुझे इससे पहले इजी ने बताई थी कि ये जो बंदा ना इसकी मूवमेंट ही बहुत ज्यादा अलग है। इन दोनों के देखो क्या फटी हुई है सामने। ओ माई गॉड, ओ भाई साहब, ये शकाल है, भाग के जा रहा है साइड पे। अभी देखते हैं दोनों को, डर गए भाई ये दोनों के दोनों बंदे, ये दोनों डर चुके हैं। नो, ये इनकी स्ट्रेटेजी है, एक उधर जाएगा और एक पीछे से मारेगा। अरे बाप रे बाप, ऑलमोस्ट फेल दिया था भाई। ओ तेरी, ये गाइस 2v1 में ना इसको एक्चुअली में धूल चटा सकते हैं, बट इसकी शक्ल कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई साहब, कितनी खतरनाक लग रही है। दोनों के दोनों साथ लड़ोगे तो उसको हरा सकते हो तभी। वो डरा हुआ पीछे, देखो उसको क्या कर रहा है भाई। गाइस मानने वाली बात है, शकाल की मूवमेंट बहुत खतरनाक है, ये एक्चुअली में खतरनाक मूवमेंट वाला। देखो भाई साहब, गाइस उस होगल अलग तरह लड़ रहा, जो हमने देखा था उसके बचपन में, कुछ अलग सी मूवमेंट थी उसकी, है ना, बहुत अलग है भाई साहब। कमान डूड, दोनों साथ में आओ, एक बंदा डर रहा है भाई, क्या आन पड़े। ओके इसने चेंज कर दी क्या, अभी नॉर्मल लड़ रहा है ये गाइस। ओ ब्रो, ये कभी भी खुद को निंजा हथौड़ी या फिर नॉर्मल में चेंज कर सकता है। ओ तेरी भाई, मैं देखूंगा फलाना जी अभी कंटिन्यू खुश पड़ा हुआ है जी फलाना। अब भगा रहा है इनको ये, अब भगा रहा है इनको ये भाई साहब, अब ये इनको छोड़ने वाला नहीं है। ओ ओ ओ ओ, ये गया। इसकी तलवार देखो, इसके हाथ में कितनी बड़ी है, इसकी तलवार देखो हाथ में, इसकी तलवार नॉर्मल नहीं हो सकती है, ये नॉर्मल नहीं हो सकती है। ओ माई गॉड, देखो इसको भाई, अब जाकर ये अपने असली फॉर्म में आया। 1v1 भाई, उस बंदे के पास कोई चांस नहीं है 1v1 में, कंटिन्यू भागता रह जाएगा बंदा, कंटिन्यूसली भागता रह जाएगा ये बंदा। अब ये गया, ओ माई गॉड, घूम घूम के मारेगा ये इसको अभी भाई। और ये बंदे की शक्ल कितनी अजीब है, शकाल की ऐसा लग रहा है कि एंडरमैन और हीरो ब्रांड का मिक्सचर है भाई, उन दोनों का बच्चा तो नहीं है ये, क्योंकि एक्चुअली में है खतरनाक है बहुत ज्यादा भाई साहब। भाई गाइस, अगर इसके बाद स्मूटी पाई को कुछ होता है ना तो भाई मुझे जाना पड़ेगा इस बंदे से लड़ने के लिए। मार दिया इसने भाई साहब, एंड इसी के साथ बाउ डाउन हो चुका है जी फलाना जी को। फलाना कितना खुश हो गया भाई साहब, ओ माई गॉड गाइस। ओके थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा इस बंदे का मैच, बस यहाँ पे स्मूटी पाई के साथ ना हो, भगवान से मेरी दुआ ही है, बट आई डोंट नो मैन, अगर हुई तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। ओ इस बार गाइस स्मूटी पाई की बारी आ चुकी है, दूसरी साइड कौन है प्लीज? शकाल नहीं चाहिए बस भाई। कमन कौन है? अरे यार यही बंदा। ओके फाइनली यहाँ पे स्मूटी पाई, बहुत ही शकाल भाई। ये बंदा कभी भी आर्मर नहीं पहनता है क्या? बिना आर्मर क्या है ऊपर देखो और क्या भाई। बाय द वे गाइस, मैंने अपना रेंडर कम किया हुआ है, लैग हो रहा है, दैट इज द ओनली रीजन कि तुम लोगों को सामने वाले बंदे नहीं दिख रहे होंगे अभी। ओ माय गॉड, अभी प्लीज स्मूटी पाई, प्लीज को पेल दियो, मैं खाना खा लेता थोड़ा बहुत एक बारी। गाइस मैं चले जाऊंगा नीचे अगर कुछ भी यहां पे स्मूटी पाई होता। ओ ओ ओ भाई, पहले इसकी हेल्थ इतनी कम हो गई क्या? व्हाट, मार 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 इसको, शाबाश। कम ऑन स्मूटी। ओ भाई एकदम से नॉर्मल कैसे हो गई ये भाई? इसके पास स्पीड है क्या? ये कितना तेज है। व्हाट गाइस, कुछ तो यहाँ पे कांड हो रहा है, ये फलाना जी खुश पड़ा हुआ है वहां पे भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओ ये बंदा पर्ल्स लेके, जी फलाना ने इसको पर्ल्स पकड़ा दिया है।
माय गॉड, हमारे स्मूटी भाई के पास तो पर्ल्स भी नहीं है। ओ भाई साहब, भाई इसने निकाल दी वाली, इसने वो गंदे वाली स्वॉर्ड निकाल दी, मेरे को लग रहा है मरने वाला है अपना बंदा। मैं नीचे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सब भाड़ में जाए, मैं जा रहा हूं। ओए रुक जा शकल, रुक, तेरी पकड़ है ऐसी की तैसी, रुक 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 यहां से, रुक यहां से। फलाना जी, तू चाहता ना कि मैं तेरे सामने आऊं, यहां देख तेरे सामने खड़ा हूं मैं। रुको, इस फाइट को अभी, इस वक्त मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, जिससे भी लड़वाएगा मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। तू बोल अभी, बदसूरत की वाला। ओ माय गॉड, इसकी स्वॉर्ड कितनी गंदी है, इसकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा गंदी। आजा पकड़ के दिखा मेरे को, आजा आजा आजा, बैठे कुछ नहीं कर सकता समझा। ओए फलाना, रुकवा इस फाइट को, अगर हिम्मत है तेरे अंदर तो रुकवा इस फाइट को। क्या लिखना नीचे फलाना? हाँ, इस फाइट को रुकवा, हाँ रुक जा, तेरे उसने बोल दिया। स्मूटी ठीक है तू भाई? ठीक है ना, शाबाश। ओ माय गॉड, वहीं पर आई शकल, वहीं पर ही बेटे, अभी तेरे मास्टर ने बोला। क्या लगा नीचे से फलाना? आ ही गया फाइनली स्मार्टी पाए, कब से तेरा वेट कर रहा था, मैं खुद तेरा वेट कर रहा था कब से बेटे। आ गया हूं मैं, ले तेरे सामने हुई मैं। अब बोल किससे लड़वाना है? मैं तैयार हूं उससे लड़ने के लिए। स्मूटी भाई को जाने दे, स्मूटी को जाने दे, अब मैं तैयार हूं लड़ने के लिए इस बंदे से। मना कर रहा है भाई ये बंदा, क्या क्या चाहता क्या है? सब कुछ रूल्स से होगा यहाँ पे, इतना जल्दी तू लड़ेगा नहीं। अबे भाई क्या रूल्स, इल्लीगल पीवीपी कंपटीशन करवा रहा है, इल्लीगल वाला समझा। यहाँ पे सारे के सारे रूल्स तूने खुद बनाया हुआ है, तू रूल बना ना अभी, मेरा और शकाल का मैच डायरेक्ट। अब भी आ जाऊंगा उसको पेलने के लिए। क्या है भाई ऐसे ये कटाना लेके बैठा हुआ है सामने, तुझे क्या लगा तू मुझे मार सकता है? अगर है मत तो करवा इससे फाइट मेरी। क्या लिख रहा है कि तेरी फाइट इससे होगी बट रूल्स बाय रूल्स चलेंगे। अबे तू रूल्स की बात कर रहा है, सारे रूल्स तूने ब्रेक किए हुए। स्मूटी भाई मेरे पीछे रही, तू इधर आजा, बोल जल्दी क्या करना है। सब कुछ करने के लिए तैयार हो, जैसा तू चाहता है वैसा करूंगा, जो तू चाहता है वो करूंगा, बोल क्या करना है। अभी तो अपने चेंबर में जा पीछे, स्टेप बाय स्टेप तेरी फाइट्स करवाता हूं, अब आएगा ना मजा। ओके ठीक है, जा रहा हूं मैं। स्मूटी तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। ओए स्मूटी तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो है ना भाई? क्या कुछ ज्यादा हेल्थ तो नहीं गिर, खाना खा ले थोड़ा सा, ठीक है? Oh my goodness, dude. तू मुझे एक बात बता, बंदा है कितना खतरनाक है भाई साहब। साहब नहीं खड़ा यार, कि पहली फाइट इसके साथ होगी मेरी, हैं? नहीं होगी ना, बस ठीक है। क्या सिर भाई, इसकी तलवार देख सामने कितनी ज्यादा बड़ी है यार। भाई साहब फलाना जी ने क्या किया हुआ है कांड यहाँ पे? Oh, I have no idea कि अभी यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, बट लेट्स सी मैन गाइस। ओके, किस तरीके से पीवीपी मुझसे लड़वाएगा भी है यहाँ पर, आई डोंट नो। तू मुझे एक बात बताई, जो पीवीपी कंपटीशन, इसमें तुम लोगों को फर्स्ट प्राइज के लिए क्या इसने बोला? भाई अपने आप टूट रहे सारे के सारे ब्लॉक्स, सेंटर वाले ओ तेरी। तू मुझे एक बात बता जल्दी जल्दी कि इसने देखो यहाँ पे वादा क्या किया, लाइक फर्स्ट प्राइज क्या है? क्या यही तो नहीं है यहाँ का फर्स्ट प्राइज के लिए, जो जीतेगा वो जिंदा बाहर वापस जाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे? ओ माय गॉड, कितना ही ज्यादा घटिया इल्लीगल पीवीपी कंपटीशन है, कितना घटिया है ब्रो। आई हैव नो आइडिया गाइस कि यहां पर हमारा फर्स्ट कंपटीशन क्या होने वाला है। तू यहीं पर बैठ, ओए मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ले रुक जा, ये हमको देख लेगा, कोने में जा, उस कोने में जल्दी जल्दी, उस कोने में जा, ले ये पकड़ ले, ये पकड़ ले बहुत सारी, ठीक है ना? ये बस देखे ना हमको फलाना जी किसी भी एंगल से, और मैं थोड़ी बहुत और पर्ल्स वगैरह पड़ी है ब्रो। ये बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है जो मैं तेको दे रहा, तेको लड़ने की जरूरत नहीं उसके बाद, ठीक है ना? मैं ही लड़ने वाला हूं, तू टेंशन मत ले, सब कुछ यही रखियो तू। व्हाट, नीचे लिख रहा है फलाना जी, आजा स्मार्टी बार, अपना सामान रख दे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ माय गॉड स्मूटी, डर लग रहा है, तू संभाल के रखे सारा सारा सामान। कहाँ पे रखना है? कीप योर स्टफ हेयर, सारा का सारा सामान हम लोग वहां पे रखने वाले ऊपर। देख भाई मेरी इन्वेंटरी पूरे तरीके से खाली है, ठीक है ना? किसी भी एंगल में समझो कि मैं यहाँ पे किसी भी टाइप की चीटिंग वगैरह कर रहा हूँ। सामान तो ले ले, अबे सामान कहाँ से लू मैं, हेलो कहाँ है सामान? ओ वहाँ पे एक और चेस्ट है, इसके अंदर सामान है क्या? 64 डर्ट के ब्लॉक्स। ओ सामने एक बंदा आ गया, आई गॉट इट, हम लोगों को फिस्ट फाइट करनी है, फिस्ट फाइट करनी है ना हम लोगों को। ओ तेरी, आ जा लड़, क्या फट गई क्या मेरे को देख के इसकी भी है? क्या लगे? आर्मर तो उतार। ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज का। ओ माय गॉड, मैं वही दूसरी बंदी की फटी हुई क्यों है भाई यहाँ पे, इतना खतरनाक आर्मर बात है मेरे पास। आजा आजा, है हिम्मत, आजा मेरे बेचे, आजा मेरे बेचे, आजा 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 आजा। अरे लग नहीं रही बंदे को, व्हाट इनविंसिबिलिटी का पोशन पी के आवे क्या? मेरे को खाली हाथ से लड़ना पड़ेगा बंदे से। आजा 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 बेटा, हाँ हाँ हाँ, तू पार्कोर ब्लॉक्स ही लगाता रहे, पार्कोर ही कर तू, पार्कोर ही कर तू। ओके 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 ओके, काफी दिमाग का काम कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वही रिपीट करेगा, वही रिपीट करेगा क्या तू है बच्चे? ओह माय गुडनेस, क्या फटके मारे इसने मेरे को अभी यहाँ पे। आई गेस ये भी मरने वाला है, क्योंकि मैं खुद मरने वाला यहाँ पे। नो वे डूड, यस भाग रहा है बंदा, भाग रहा है बंदा, भाग रहा है बंदा, भाग रहा है बंदा, इसके इसके लग गए, इसके लग गए, इसके लग चुके हैं, इसके लग चुके हैं यहाँ पे।
I'm not even joking. हाँ जा आ जा आ जा भाई, काफी ज्यादा दिमागी बंदा। अबे तू अभी तो तू आ जा भाई, अभी तो तू आ जा, अभी तो तू आ जा, अभी तो तू। मैं ना अगर कहीं ज्यादा ऊपर गया ना तो मैं फॉल डैमेज से भी यहाँ पे मर सकता हूँ, मर सकता हूँ मैं फॉल डैमेज से। ओके 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 ओके, ओ माय गॉड यस, मैं 2.5 घंटे बचाऊँ। बोल बोल बदसूरत बोल, अब बोल हैं ऐसी की तैसी स्मूटी भाई, बोल इसको पकौड़े ऐसी की तैसी तुम्हारी। रुक जा, ये सारे के सारे ब्लॉक्स को मैं अंदर रखने वाला हूँ अभी यहाँ पे साइड में। देख फलाणिया, सारे के सारे ब्लॉक्स हटा दिए हैं मैंने अपनी इन्वेंटरी से। ओ माय गॉड, ओए तेरे को पता है भाई स्मूटी, मैं 2.5 घंटे में था, उसने मुझे मार दिया था ऑलमोस्ट, उसने मेरे को मार दिया था भी ऑलमोस्ट भाई। हाँ खाना दे दे। अब आई डोंट नो कि अगला वाला कंपटीशन हमारा क्या होने वाला है, लाइक किस टाइप का पार्कोर होने वाला है, पर जो भी होगा भाई मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा भाई, देखी जाएगी अभी। ओके गाइस, तो सामने एक और बंदा आ चुका है यार, मुंह के सामने भाई साहब एरोज मार पा रहा कोई ऊपर से स्टार्ट होने वाला। ओके फ्लान जी लिख रहा है आज स्मार्टी, चलो भाई एक बार रुको भाई, इसने आयरन के आर्मर पहने हैं, मेरे पास तो है नहीं भाई साहब। ओ व्हाट, ये क्या है आयरन, ओ तेरी भाई साहब इससे लड़, ओ माय गॉड, आजा भाई जी आजा मेरे पीछे, तेरे को मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे, इसकी भी एक ट्रिक होती है, इसकी ना ट्रिक होती है, आजा 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 आजा, ओ लो 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 लो, समझा बेटा। यस यस यस, गया गया ये मेरा बेटे, अब मारेगा मैं तेरे को, अब मारेगा मैं तो कैसे करके। ओके मैंने काफी ज्यादा दिमाग का काम किया गाइस, इस बंदे का लावा यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने। मुझे पता तू भी क्या करने की फिरात में है बेटे, क्या करने की फिरात में तू भी, तेरे को मैं ऐसे करके मारेगा मारेगा मारेगा। ओ व्हाट, इसके पास कैसे है लावा, हैं लावा कैसे है इसके पास, मेरा लावा ग्लिच हो गया, मेरा लावा ग्लिच हो गया, मेरा लावा ग्लिच हो गया, उल्टा हो चुका है यहाँ पे, सीरियसली डूड्स इसके पैरों के बीच मेरा लावा ग्लिच हो गया। ओ नो ओ नो, आई एम डेड 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 आई एम डेड, मेरा लावा ग्लिच कैसे हो सकता है। यस यस यस, मेरा बेटे तेरा लावा चोरी हो चुका, अब मैं ध्यान दूंगा गाइस, इसके हाथ में बस लावा ना पहुंचा। काफी चालू है, काफी चालू बंदा है, काफी चालू बंदा है, काफी चालू बंदा ये, और पानी दे दे भाई मेरे को। ओके ओके, मारता रहे मारता रहे मारता रहे भाई, खाली हाथ से कितना ही मारेगा, खाली हाथ से कितना ही मारेगा, खाली हाथ से कितना ही मारेगा बेटे। ओके भाई गाइस, ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत लंबा चलने वाला, अगर इसने मुझे अभी यहाँ पे जलाया है ना तो मेरी लग जाने वाली, यहाँ पे मेरी लग जाने वाली फिर यहाँ पे। ओके इसने मुझे जलाया कैसे अभी, हेलो कुछ भी भाई कुछ भी भाई कुछ भी भाई, निकल 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 निकल, ओ माय गॉड मैं बच गया हूँ अभी, यहाँ दोनों के ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पे लावास। व्हाट व्हाट व्हाट, इसका वाला समझे पीवीपी होने वाला, कहीं यहाँ पे और कुछ नहीं है बचा हुआ, मैं भी खाना खाएगा, मैं खाना खाएगा बेटा, मैं नहीं देगा तेरे को ऐसे यहाँ पे लीड लेना, भाग 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 पकड़े, भाग 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 भाग। ओके मुझे भागना पड़ेगा, ये अच्छा लड़ रहा है, ये अच्छा लड़ रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लड़ रहा है ये बंदा। आजा आजा, तेरे को मैं ही बताएगा बेटे, इसको लग नहीं रही है भाई साहब। ओके यार गाइस, ये कितना बढ़िया था कि मेरे पास यहाँ पे लावा की एक बकेट होती ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसने यहाँ पे ग्लिच किया है तो इसने कुछ चीटिंग करी है, इसके में दो लावा की बकेट कैसे आ सकती है, मैंने खुद अपने हाथों से उसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया था। हाँ तू बचा, रुक तेरे को अभी मैं बताता, ले तेरा पानी भी चोरी हो गया। तेरे पे एक पानी है सिर्फ यहाँ पे, लेट्स गो, आजा आजा आजा, ना 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 ना, ओ ना 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 ना, खाना खाएगा खाना खाएगा खाना खाएगा बेचे, खाना खाएगा खाना खाएगा बेचे। गाइस ने कुछ ना कुछ चीटिंग करी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसने कोई ना कोई चीटिंग इससे पहले जरूर करी थी। इसके बाद दो लावा कैसे आ सकता है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मेरे हाथ में उस टाइम पे लावा था, इसके अगर इसने चीटिंग करी थी इससे पहले, आई एम टेलिंग यू गाइस राइट नाउ, इसने करी थी चीटिंग इससे पहले, इसने करी थी चीटिंग इससे पहले, इसने पाल निकाल, इसने पाल निकाल, इसने नो 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 नो, इसको भागने नहीं देना किसी भी तरीके से मैंने। रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, पॉल का इस्तेमाल करके बचता रह गया बंदा मुझसे यार, पॉल का इस्तेमाल करके बचता रह गया बंदा मुझसे, नो विस फलाना जी, दिस इज चीटिंग ब्रो, दिस इज, मर गया गाइस, इस बंदे ने मेरे साथ करी थी चीटिंग, आई एम नॉट इवन जोकिंग। फलाना जी तू मुझे बता, अगर मैं गिल्टी हूं यहाँ पे तो
इसने चीटिंग करी थी ना, इसके पास दो दो लावा की बकेट्स थी ना भाई साहब, मना कर रहा बेचे, मना कर रहा, तुझे भी पता है इसके पास दो लावा थी, तुझे भी पता है इसके पास दो लावा थी, इसीलिए गाइस मैंने भी यहाँ पे तलवार निकाल दी, क्योंकि अदरवाइज फिश फ्राइड करता ना आयरन आर्मर के अंदर तो भाई अगले साल तक खत्म होती है फाइट। आई एम नॉट इवन जोकिंग, खाने का सामान भी हमारे पास। ओ माय गॉड, मैं दो राउंड जीत चुका हूँ यहाँ पे गाइस। रुको रुक जा फलाने, मैं अपना सारा का सारा सामान अगेन यहाँ पर डाल रहा हूँ, इनफैक्ट यहाँ पर नहीं डालेंगे गैस, हम लोगों को सारा सामान यहाँ पर डालना है। पूरी इन्वेंट्री खाली है मेरी, ठीक है ना, पूरी की पूरी इन्वेंट्री खाली है। लापना अगला बंदा जो भी लेकर आ सकता है तू भाई, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, बिल्कुल भी मैं छोड़ने वाला नहीं किसी को भी नहीं, अभी मैं तैयार हूँ हर एक चैलेंज के लिए, समझा। अरे गाइस, तो मैं स्मूटी से बात कर रहा था, स्मूटी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इसके पास कुछ तो है, इसने ना बेसिकली शकाल के साथ फाइट के लिए कुछ तो अपने साथ लेकर, अवेट नीचे को लिख के आया, आजा स्मार्टी फाइट स्टार्ट हो चुके, जी फ्लान लेकर, ओके वो चीज़ मैं बाद में सुनने वाला था, ठीक है ना, अब एक काम करते फाइट करते। व्हाट, वही और शकाल है भाई ये, शकाल अब यहाँ पे डायमंड कार में पहन के है ब्रो, एक्चुअली में इसकी फटी हुई है मुझसे भाई साहब, अपना टेरर ही खतरनाक है। आजा शकाल मेरे बेचे, मैं हूँ तैयार एकदम, आजा आजा, नहीं ये शकाल नहीं है ये, वही मैं सोचू की शकाल इतना ज्यादा, ये कोई और बंदा भाई लग रहा शकाल जैसा, ये क्या है भाई, ये क्या है ये, हेलो आजा 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 मेरे बेचे, तेरे को मैं बताएगा बताएगा बेटे बताएगा तेरे को, स्मार्टी पाया बताएगा अभी कि फाइट कैसे होती है। आजा 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 बेटे आजा बेटे, ओ तेरी भाई साहब मार दिया इसने मेरे को, ऑलमोस्ट आई हर्ट है भाई तुम्हारा, भाग 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 भाई, मैं अभी खाना भी नहीं खा पा रहा टाइम पे, मैं खाना नहीं मेरा खाना इतना लेट खत्म कैसे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। व्हाट, खाना खा रहा है अभी, मरेगा बेटा, और इसको लगी नहीं, इसको लगी नहीं, व्हाट What? What the hell is this, bro? कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये गया ये गया ये गया ये गया, मैं भी खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं रेस्ट लूंगा। ओ माय, देखो मेरा खाना कितना लेट खत्म हो रहा है भाई, इतने में तो फटके लग जाएंगे, ये बंदा पूरा का पूरा खुद को यहाँ पे हील कर देगा। आ जाना बेटे, कम ऑन जल्दी जल्दी रीजन होना है मेरे को भाई साहब, बच गया मैं, आजा। ओ ओ ओ, खाना खाएगा खाना खाएगा खाना खाएगा खाना खाएगा बेटा खाना खाएगा, हैं 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 हैं, आजा 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 आजा, इसको लगने दिए बेटे को भाई, अबे कैसे लड़ता है ये, अबे भाई मेरा रुक जाए एक सेकंड तो, ये क्या है ये, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, कंटिन्यूअसली फटके मार रहा है बंदा मेरे को, भाई मेरा राइट क्लिक फंसा हुआ है, भाग गया, थैंक गॉड इसके फटका पड़ा ढंग का, ओ तेरी भाई साहब, भाई आई मैं कैसे बचाऊ, तुम लोगों का अभी आइडिया भी नहीं है। ओ माय गॉड, अगर गलती से इसको अभी यहाँ पे शॉट मेरा नहीं पड़ता ना तो मैं गया था अभी, सच्ची बता रहा हूँ। और भाई मैं क्यों यहाँ पे रीजन नहीं हो रहा हूँ, व्हाट स्मूटी कहाँ गया, अरे भाई मैं उल्टी साइड आ गया, मैं इसके पिट के अंदर आ चुका एक्चुअली में, आजा 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 जा 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 जा, भाग जा यहाँ से। ओ माय गॉड, ओ तेरी, मैं ना हाफ हार्ट में था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं भाई मेरे कहाँ गया बंदा, व्हाट, ओ छुपा हुआ है, खाना खाने के लिए छुपा हुआ था ये बंदा, व्हाट द हेक, और मेरे पे यहाँ पे स्पेस भी नहीं है भाई था छुपने के लिए, ये तो गलत बात है भाई जी, ये गलत बात है भाई, आजा इसको मैं बताऊंगा अभी, आजा ना आजा, ओके व्हाट, मुझे कुछ दिखा वहां पे, ओ वहां पे बहुत ही, नो, भाई मेरे एक हार्ट एक्स्ट्रा खा लिया इसने, व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, दिस इज नॉट फेयर, अभी दूर से मार सकता है, बट जब तक इसके हाथ में ये रहेगी ना तब तक मैं आई गेस इसको मार सकता हूं यहां पे, ओ माय गॉड, आजा ओ माय गॉड, भाई इसने मेरे को ले लिया, आजा रुक जा, आजा मार, अर्जुन बनेगा बेटे, तू बन जा, एक शॉट, यही तो बात है, अगर इसका एक शॉट मिस हो गया ना तो उसके बाद फिर लग जाती है, और मैं क्यों एक्स से लड़ रहा हूँ, मैं एक्स से क्यों लड़, ओ माय गॉड व्हाट, मेरी स्पीड खत्म हो गई यहाँ पे, आजा, यस 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 यस, ब्रो आई वाज वन शॉट,
फलाना जी। आई मीन जी फलाना जी, हेलो ब्रो, ये देख यहाँ पे, ये फेंकता हूँ तेरे मुंह पे, ये फेंकता, ले खाना खा लियो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ले ले, ये भी खा लियो, ये सब खा लियो, ठीक है ना, ये सब तेरे लिए है, ठीक है, रुक जा, थोड़ा खाना मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा खाना मैं ले लेता हूँ, बाकी सब तेरे लिए, समझा, ले ले जा घर, ले जाइए उसको, ठीक है, घर में बैठ के खाइए उसको, अगले साल तक तेरा मनसूबा पूरा नहीं होगा भाई, मुझे हराने का। स्पूटी बच गया, बच गया, बच गया। ओ भाई, ये बहुत क्लोज कॉल थी, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन, और मैं जो बचा हूँ यहाँ पे, तेरे को आइडिया भी नहीं है भाई साहब, मैं एक्चुअली वन हर्ट था, अगर वन शॉट था, अगर पीछे घूम के लाइक एक बार एक्स और मार देता तो बच गया कसम से। अब बोल अगला बंदा कौन है तेरा, मैं सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ये जितनी भी तेरी ऑडियंस है दिख रही है ना, इन सबके सामने मैं तेरे उस धुरंधर को पेलने के लिए भी तैयार हूँ, जिससे लड़वाएगा लड़वा दे, आ जा बेटे, जो कर सकता अपनी पूरी ताकत लगा के कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। स्मूटी आदमी को तो यहाँ से जिंदा बाहर वापस आना, ठीक है ना, किसी भी हालत में, और एक प्लान है, तू इसको बस तू याद रखियो, ठीक है ना, किसी भी हालत में, प्लान ये है कि व्हाट द हेल ब्रो, ये कैसे धमाके हो रहे ब्रो, और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरा कोई बंदा नहीं है जो ये बचाने आ रहा हमको, या इसका कोई बंदा हो सकता है, इसकी चाल हो सकती है, ये जी फलाना की, ठीक है, वहीं से देख रहा है अभी, सुन मेरी बात, प्लान ये है कि अगर गलती से मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था, तेरे पास इतनी सारी पर्ल्स है ना, तो ब्रो इसको लांग के जा सकता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, सारी पर्ल्स का इस्तेमाल करके इन वॉल्स को लांग कर ऊपर से भाग जाइयो, रुकियो मत किसी भी हालत में, ठीक है ना, दैट्स इट, अगर हो सका कि मैं मरता मुड़ता हूँ ना, तो भाई तू मेरे हिमलैंड पे जाके पास्ट में से मुझे निकाल के ला दियो, ठीक है ना भाई, वैसे तो अब शायद कर नहीं पाएगा, बट मे भी हो सकता है ऐसा कुछ पॉसिबल हो, बट तेरे को मैं आइडियाज दे रहा हूँ, वैसे तो मरूंगा नहीं मैं, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ आया हूँ, इसकी मैं फाड़ देने वाला, लिख रहा नीचे स्मार्टी आ जा, अगर है हिम्मत तो इस बंदे को हरा के दिख, व्हाट, ये क्या, रुक जा, हाथ में दिखाता हूँ, हाथ में दिखा, क्या ये, मुझे विस्पर करनी चाहिए, क्या ये, ये है एक बहुत ही सुपर स्ट्रेंथ वाला पोशन, तेरे बहुत काम आएगा, ठीक है, मेरे इन्वेंटरी में फेंक उसको आराम से, इनको ना दिखे ऊपर, बस इस चीज का ध्यान दियो, ठीक है, बस ठीक है, आ रहा है मैं फलाने जी, आ रहा है मैं, आ रहा है मैं, भाई साहब इस बार तो नेदरराइट का पूरा इस बार पूरा सामान दिया हुआ इन लोगों ने, पूरा का पूरा, एंड सामने का, ओ नो 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 नो, इस बार शाकाल के साथ कॉम्पिटिशन है ब्रो, ब्रो शाकाल के साथ इस बार कॉम्पिटिशन, ओके, डरने वाली बात नहीं है, हम डरते नहीं इससे, हम इससे बिल्कुल भी डरते नहीं है, किसी भी एंगल में डरने वाली बात है नहीं है, क्यों स्मोटी, रुक जा, मैं अंदर आके मेरे को बस ये पीना पड़ेगा एक बारी गॉड स्ट्रेंथ का पोशन, एंड अब देखो, आ जा मेरे बेटे, व्हाट, ओके, ये मैं सोचू पता नहीं क्या कर रहा है ये, इसको वो कर रहा भाई, आशीर्वाद ले रहा है, आ जा, टाइम नहीं इतना, व्हाट द हेल ब्रो, ये कैसे एक्रोबैटिक्स करते हैं, तू आ जा एक बारी, आ जा, तेरे को मैं बताता, ओ भाई व्हाट, ये कैसे स्वॉर्ड है इसकी, गाइस ओ भाई, ये मेरी शील्ड के थ्रू भी जा रही है, ये मेरे शील्ड के थ्रू भी जा रही, आजा, भाग रहा है, काम करिए स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ काम करिए, ब्रो दिस इज चीटिंग, मेरे पर नॉर्मल आर्मर है ब्रो, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कैसी बदतमीजी है भाई, हेलो, ये कैसी बदतमीजी है, आजा आजा, तू ब्लॉग्स लगाता रहे, तू जोकर वाले करता करता रहे, मैं अपना पानी उठाएगा, यहाँ से मेरे बेटे, आजा 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 भाई साहब, आजा भाई, इसके बाद बहुत ही गंदा आर्मर है ये, व्हाट, ये बंदा ऐसे मरने वाला नहीं मुझसे अगले साल तक, आजा, इसके पास तो स्वॉर्ड भी, ब्रो इसकी कैसी स्वॉर्ड है, तीन हटका इसने मेरे, भाग भाग भाग, थोड़ा सा मुझे दूर जाके हल्का सा, गाइस रीजन करना ही होगा किसी भी हालत में, ये भी रीजन कर रहा है खुद का, तू भी खा ले, आजा आजा, मौका नहीं दूंगा तेरे को, मैं अभी यहाँ पे किसी भी चीज का मौका नहीं दूंगा, आजा आजा आजा, ये बेबी, अब बोल, ले, तू यही लगाता रह जाएगा, तू ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स ले बेटा, 64 ब्लॉक है सिर्फ, ठीक है, वो भी तेरे कभी ना कभी तो खत्म हो गए, ओके, बच, तू भाग, भाई साहब, आजा, भाग यहाँ से, पकौड़े तेरी ऐसी की तैसी, गाइस भगा के मारा उसको मैं, बोला फलाने, बोल तेरे बंदे को भगा के मार रहा हूँ मैं, आजा मेरे पीछे, आजा, चीटिंग करेगा, तू मेरे साथ चीटिंग करेगा, बेट, what, अब आ तू, तेरे को मैं बताएगा गाइस यहाँ पे, नहीं, इसके पास क्या, गाइस इसके पास थॉर्न्स देख रहे हो तुम लोग, कितना गंदा है, आई स्वेयर टू गॉड, इसके थॉर्न्स से ना मेरे को वन हर्ट जा रहे हैं, मैं तो उसके साथ लड़ ही नहीं सकता ऐसे करके, ये कैसी नकल है भाई साहब, आजा, आजा मेरे बेटे, गाइस मेरी उतनी हेल्थ जा रही है थॉर्न से, व्हाट, नहीं, नो, ब्रो, ये क्या है ये, इसके पास, हैं,
मेरे को खाना खाने एक बार जल्दी जल्दी मेरे को जल्दी जल्दी खाना खाने एक बार। ओ माय गॉड, इसने मेरा पानी ब्लॉक कर दिया ऐसी की तैसी इसकी। आजा 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 आजा। नो वे, इसने मेरा लव ब्लॉक कर दिया। नो, दिस गाय इज सो अननोइंग डूड, सो अननोइंग डूड। इसकी पर ये तलवार की रेंज में नहीं आना मेरे किसी हालत में। आजा 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 आजा। तू ब्लॉक लगाता रह जाएगा पर मैं साइड से आके तेरे को पेल देगा यहाँ पे। आजा मेरे बेटे आजा। नो 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 गाइस, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इस बंदे के पास ना मुझसे ज्यादा बेटर आर्मर है, मुझसे ज्यादा बेटर स्वॉर्ड है, मुझसे ज्यादा बेटर लाइक कटाना टाइप चीज जो भी है, इसके टूल सारे बेटर है मुझसे, तो कैसे ये फेयर फाइट मुझे बताओ। पर उसके बावजूद भी अगर मैंने इसको हरा देना भी तो भाई साहब बेस्ट हो जाएगा ये। मेरी स्पीड स्लो हो जाती है भाई जैसे इसकी कटाना मुझे पड़ती है। व्हाट इज दिस? ओ ब्रो, ओ माय गॉड। खाना खा लो स्मार्टी, प्लीज टेल मी कि मेरा आर्मर टूटने वाला नहीं है। हाँ अभी बहुत ज्यादा आर्मर है मेरा। कहाँ गया भाई ये बंदा, ये क्या कर रहा है ये? ओ भाई साहब हेलो, वेट अ सेकंड गाइस, 15 ब्लॉक मैंने खर्च किए, ये सारे ब्लॉक यहाँ पर कहाँ से आए? इसके पास मुझसे ज्यादा ब्लॉक्स है, इसकी ऐसे की तैसी। व्हाट व्हाट ब्रो, इसके पास मुझसे ज्यादा ब्लॉक है भाई, अभी ऑन द स्पॉट इसने मुझसे तो ज्यादा ब्लॉक्स यूज ऑलरेडी कर भी दिए। कुछ भी भाई कुछ भी, ये भाई हम लोगों के पास यहाँ पे टूल्स वगैरह भी अलग दिए हुए, कम है मेरे पास दिए हुए, इसके पास ज्यादा है। तू रुक, ये करना क्या चाहता, तू करना क्या चाहता, तू ये बता मेरे को एक बारी, क्या ये क्या स्ट्रेटजी है मुझे बता एक बारी है। ओ भाई इसने कुछ तो यहाँ पे घुमाया बेबी, क्या आवाज आई है भाई, क्या आवाज आई है, क्या आवाज आई है भाई, क्या कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, कितने ब्लॉक्स लगा दिए इसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए, क्या है मेरे को कंफ्यूज करेगा बेटे। आजा आजा आजा। नो 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 सब ब्लॉक अपने हाथ में निकाल दूंगा क्या। आ, 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 आ गया आ गया आ गया आ गया। आजा 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 जी फलाना, तेरे फेवरेट बंदे को, तेरे सबसे बेस्ट बंदे को अभी देख मैं कैसे मारने वाला यहाँ पे। आजा आजा, शील्ड है बट्टे मेरे पास, शील्ड है मेरे पास, समझा। आजा 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 आजा। ओ माय गॉड, इसको मारता तो भाई एक हाथ का एक हर्ट तो मेरा खुद का जाता है। हाउ फेयर इज दिस ब्रो, ये कैसे फेयर हो सकती है फाइट मुझे बताओ। थोड़ा ऊपर जाके मेरे को एक बार हील करना पड़ेगा, जल्दी 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 बच गया, हील कर। ओके इसके थॉर्न्स की वजह से नीचे नहीं गिरता। नाइस ब्रो नाइस, आ जा आ जा बेटे आ जाना। अरे इसको क्या ये भाई चुल मची ब्लॉक क्यों लगा रहा हर जगह पे? ये बंदे को पता है गाइस कि इसके पास ज्यादा अच्छे टूल्स है, ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड्स है, तो इसको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे अगर ये हर जगह पे ब्लॉक्स लगाएगा ना तो मैं शायद सहरे परे भाग नहीं पाऊंगा, लाइक समझ रहे हो, तुम्हें भागना मिलने मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ब्लॉक्स लगा रहा बार बार। दिस इज अजीब सी स्ट्रेटजी भाई इस बंदे की, सच्ची बता रहा हूँ मैं। हमला तो मैं कर ही सकता हूँ ना तेरे ऊपर यहाँ पे। आ! ये कैसी स्वॉर्ड है इसके पास, ये कैसी स्वॉर्ड है इसके पास। आ जा, मेरे को ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। भाग 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 भाग। ओके ब्रो, अरे क्या है भाई इस बंदे ने लगाया हुआ यहाँ पे हर जगह। अबे तू ब्लॉक लगाना बंद करेगा, ब्लॉक लगाना बंद करेगा तू, तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी, इसको ना मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा तेरी ऐसी की तैसी। आजा। What? 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 मैं मरने वाला है भाई साहब। ओ माय गॉड भाई, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गलत साबित हो गया था। अरे गाइस मेरे को तो ना ऐसे स्नीक करके रहना पड़ेगा, हालांकि मैं थोड़ा फायदा उठा सकता हूँ, बट ये बंदा ना मेक श्योर कर रहा है कि हर जगह को कवर करे ताकि मैं ना चल पाऊं। काफी तरह चालू है भाई ये बंदा, है ना। ओ तेरे भाई क्यों ब्लॉक लगा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है ये, कैसी स्ट्रेटजी है इस बंदे की, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये हाथ से क्यों तोड़ रहा है ये? इसके पास ना पिकैक्स नहीं है, इसके पास पिकैक्स नहीं है, आई एम नॉट इवन जोकिंग, इसके पास पिकैक्स नहीं है गाइस। ओके मैं समझ चुका हूँ, ये गाइस यहाँ पर सारे ब्लॉक्स लगा रहा ताकि मैं भाग ना पाऊं, और जैसे सपोज करो मैं इस खोपचे में फंस गया ना यहाँ पे, तो इसकी कटाना से मैं विद इन 3 शॉट्स मर सकता हूँ, इसको ऑलरेडी पता है। बट ओके आ गया मेरे पीछे आ गया, बट गाइस मैं इसका यहाँ पे ना उल्टा फायदा उठा सकता हूँ, कैसे कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे। आ हा हा, आ जा आ जा आ जा। इसके बाद यहाँ पे ना पिकैक्स नहीं, मैं ओ शिट, मैं इसको यहाँ पे भगा भगा के मार सकता हूँ अभी यहाँ पे। इसको ना मैं गाइस ऐसा पेलूंगा ना अभी यहाँ पे ना कि ये याद करने वाला ये।
आई एम नॉट इवन झुक, तू आ जा बेटे, तू आ, ओ नो नो, ओ बच गया, व्हाट व्हाट ये, आ जा तेरे को बताता हूँ मैं, अभी तेरे को अब बताता हूँ, आ जा मेरे बेटे, आ जा मेरे बेटे। गाइस दिस इज इट, अब मैं उसके ऊपर मारूंगा, देखना कैसे। आ जा मेरे बेटे, आ जा मेरे बेटे। कहाँ है ये बंदा, कहाँ ये बंदा, कहाँ से आ रहा है? आ जा इसको मैं भी बताता हूँ, इसको मैं भी बताता हूँ गाइस। अभी देखो तुम लोग यहाँ पे, मेरे पास हर कुछ स्ट्रैटेजी है मेरे पास यहाँ पे। आ जा कमान। जब तक आएगा मेरे को आगे का तोड़ना पड़ेगा। आ जा ब्लॉक तोड़ेगा बेटे क्या? आ जा तोड़ना ब्लॉक। अच्छा ब्लॉक तोड़, आ जा ले और ब्लॉक लगाएगा तेरा भाई यहाँ पे और ब्लॉक। अरे टेंशन की क्या बात है भाई जी। आ जा ना पर हाँ थोड़ी बहुत स्पीड तो है इस बंदे के पास, बट आ जा नजदीक। तू मेरे नजदीक आ गया बहुत नजदीक आ गया। हाँ तेरे को क्या लगता है ये करेगा? ले आ जा। ओके मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे। ओह माय गॉड, आई वाज एट हाफ हार्ट ब्रो, मैंने गलत कर दिया। एक्चुअली मैं गाइस बिल्कुल डायरेक्शन चेंज करनी थी सिर्फ और सिर्फ। ओके ये स्ट्रेटजी के साथ मैं इसको फेल सकता हूँ अभी यहाँ पे। आन दो इसको बाहर आने दे एक बारी। एक आइडिया मेरे पास, जब तक ये बंदा बाहर आएगा ना, लेट मी जस्ट मेक ना एक यहाँ पर बहुत तगड़े ऐसी एक मेज बना के रखता हूँ, इसको हर जगह भगाता रहूंगा। तू आ जा, अब तेरे को कोई बचाएगा नहीं। गाइस इसको मैं इसी मेज के अंदर मारने वाला, आई एम नॉट इवन जोकिंग। तुम लोग देखो भाई, इस चीज के लिए एक लाइक तो बनता है मैंने इस वीडियो पे। आजा बेटे, आजा, यो, आगे, नो, थोड़ा मेरे करीब। ओ भाई साहब, आजा, ले, मैं तोड़ता हूँ, मैं तोड़ूंगा ब्लॉक, ले, मैं तोड़ता तेरे ब्लॉक, आजा, ये छुप के मार, आजा ना बेटे, आजा, तोड़ ब्लॉक, तोड़ ले, आजा, ये बंदा पागल हो जाएगा, तू ब्लॉक तोड़ के पागल हो जाएगा और मैं तेरे को ऐसे ही मार देगा, ले आजा, तोड़ इसको, मार मेरे को, आजा। Let's go boys and girls, इसको पागल करके मारने वाला हूँ मैं। आजा, ले, एक ही ब्लॉक है बीच में, एक ब्लॉक है भाई बीच में सिर्फ, बहुत कम ब्लॉक है, आ जाना भाई। भाई सब मेरे को ले गया था अभी, ये मेरे को अभी ले गया था यहाँ पे। आ जाना भाई, क्या कर रहा है, क्यों डर रहा है? आ जा, मैं तोड़ेगा, ले आ जा मेरे भाई, आ जा। क्या हो गया भाई जी को, क्या हो गया? ले आजा। हाँ तू घुमा वहां से घुमा तू बेटा, हमारे पास एक्स। भाई देखो इसका थॉन्स बहुत गंदा, भाई चीटर तो तू है, तेरे को मैं बताएगा अभी चीटिंग का क्या नतीजा होता है। ब्लॉक लगा कर तू पागल हो जाएगा बैठे। आजा, तोड़ इसको। शाबाश। तोड़ इसको शाबाश। ले मैं तोड़ेगा इस ब्लॉक को। आजा। कमान डूड। बोल, अब बोलना। वेट, इसको ना इफेक्ट लगा हुआ हेस्ट का। आई एम नॉट इवन जोकिंग, इसके सर पे देखो भाई, कितना चीटर है भाई ये बंदा। हैं? बोल। ओके। अभी तो मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से भाई बच्चा। आजा, इसके बाद हेल्थ कम होगी, शायद खाना खुना नहीं खा। आजा ना। ओ माय गुडनेस, ओ मेरे ब्लॉक्स कहाँ है भाई साहब? ब्लॉक क्यों नहीं है मेरे हाथ में? जल्दी ऊपर चल। ओके लेट मी हील, खाना खा। शाबाश। आजा, इसको गाइस थोड़ा सा और पागल बनाने का समय आ चुका। आजा मेरे बेटे। ये क्या कर रहा है स्मार्टी, चल 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 चल। आजा। आर्मर अभी बंदा यहाँ पे शील्ड लेके आया, आजा ना। ये बेबी गर्ल्स। हाँ भाई है तो चालू बंदा। रुक जा, थोड़े बहुत ब्लॉक्स मैं खुद तोड़ूंगा। आजा ना थोड़ा पास, देखो पास नहीं आ रहा बंदा मेरे। हाँ राइट क्लिक करेगा तो ब्लॉक तोड़ नहीं पाएगा। ये आजा। ओके गाधा ब्लॉक खुद ही तोड़ता, ले आजा। ओके भाई फास्ट तोड़ रहा भाई ये बंदा। आजा। आजा ना
आ जाना आ गया, यस यस गया ये बंदा, अभी गया बंदा, अभी गया बंदा, अभी ओके ओके, मुझे मुझे रोक तू यहाँ पे, मुझे रोक तू यहाँ पे, ओके अभी इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, अभी इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, आए ना हाँ तला चला तलवार ले बेटे भाग भाग अब तू भाग। गाइज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पोशन लगाया ना इससे मेरे को बहुत ज्यादा मिली है, तो इसके हाथ में कितनी छोटी कटाला है, व्हाट ये क्या चाकू छुरिया लेके आया क्या भाई माइनक्राफ्ट के अंदर है, भागता रहेगा ये बंदा भी भागता रहेगा एंड ही इज गोना डाई ब्रो, ना कर रहा है बंदा, फलाना जी को देख के ऊपर तू ना करता रह जाएगा, पीवीपी कंपटीशन है, लड़ मुझसे, चीटिंग तूने करी है, आजा भाई ये बंदा वहां पे भाग रहा था उसको देख के, आजा ना भाई कहां, ओके भाई इसकी चाल चेंज हो गया, व्हाट लकवा मार गया बॉडी पे, आजा भाई क्या भगा के मजा आ रहा है भाई, स्मूटी पाए देख रहा है तेरा बदला मैंने ले लिया, तू अब यहाँ पे जिंदा घर वापस 100% जाने वाला है, भाग ओके इसका वो टूट गया शायद, आजा सामने से आजा बेटे, अभी क्या गाइस ये, अभी देयर इज नो वे ये बंदा बचने नहीं वाला भाई, इसके थॉर्न्स काम नहीं करे, अब इसके हो चुका बुरे हाल, आई एम नॉट इवन जोकिंग, अरे भागेगा कहां तक भागेगा, अरे कहां तक भागेगा भाई, कहां तक भागेगा भाई, मर गया फलाना जी ये था तेरा सबसे धुरंधर बंदा है, ये था तेरा धुरंधर बंदा, क्या हाथ क्या घुमा रहा है हिम्मत है हिम्मत, तेरे सारे बंदों को पेल दिया मैंने, अब बोल ओके यार मैं निकाल दिया इसने खुद ही, स्मूटी आ गया मुझसे लड़ने के लिए, जल्दी जल्दी तैयार हो जा स्मूटी भाई, तू भी तैयार हो जा स्मूटी भाई, इसको पहनना पड़ेगा मेरे को, ठीक है मिलके आजा भाई इसके ना मैंने यहाँ पे ना स्कैम भी किया तेरे साथ बेटे, और तेरे बंदे को भी तेरे आंखों के सामने मारा मैंने, आजा बेटे कहाँ है स्मूटी, अरे तू अगली साल आएगा क्या भाई, तू मार इसको दोनों मिलके मारेंगे इसको, अभी खत्म है इसकी कहानी, भाग रहा है बंदा ओके इसकी नहीं स्मूटी रुक जा, स्मूटी तू मत जा ये बंदा बाहर भाग रहा है, तू मत जा स्मूटी, तू मत जा रुक जा, मुझे मेरा आर्म उतार दे, इसके पीछे जाके भी कोई फायदा नहीं है, मेरे आर्म पर है, मेरे आर्म उसका, हाँ मेरे आर्म यहाँ पर है, मैं अपने असली आर्म निकालने वाला ना भाई साहब, ये सारा मेरा असली माल है, ये सब चाहिए मेरे को यहाँ पे सब का सब, स्मूटी अभी मेरे को तेरे को रुक जा, ये पूरा का पूरा फालतू का आर्म फेंको भाई साहब, चल भाई अब यहाँ से भागने का समय आ चुका, मुझे पर्ल्स वगैरह पकड़ा जल्दी स्मूटी भाई, पर्ल पकड़ा मेरे को जल्दी, आजा कमांड ढूंढ मुझे जल्दी तू यहाँ पे पर्ल्स वगैरह पकड़वा भाई साहब, कहाँ है, और चल यहाँ से बाहर, चल और इसके अपोजिट चल, तेरे को अब क्या करना है मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे को इस जगह से पूरे के पूरे हिमलैंड से तेरे को अब यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाना है समझा, तेरे को किसी भी हालत से सामने नहीं आना है कुछ टाइम तक, और मैं क्या करूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ मेरे प्रोफेसर के पास, एंड मुझे भी इस वर्ल्ड से निकलना है, ठीक है ब्रो, तो दिस इज आई थिंक आवर फेयरवेल ब्रो, जल्दी नीचे आ जा, कम ऑन डूड हमारी फेयरवेल होने वाली है अब यहाँ पे, कहाँ जल्दी आ नीचे, ओके ब्रो इट वॉज नाइस टू मीट यू मैन, ओके एंड बहुत जल्द वापस जरूर मिलेंगे, छुप जाइयो ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ प्रोफेसर के पास, बाय ब्रो बाय, ओ माय गॉड भाई पूरा पीवीपी कंपटीशन भी जीत लिया, और भाई फलाड़ा जी की भी बैंड बजा दी इस वर्ल्ड की, स्मूटी भाई अगर तू मुझे सुन रहा है उसको तू मारने जरूर जाइयो, छोड़ियो मत उसको तू भाई, ठीक है ना, किसी भी हालत में छोड़ियो मत उसको, माय गुडनेस डूड्स।